इन लोगों की समस्याएं को, हालांकि बहुत सारी घटनाएं तो ये आपके हम सामने आए हैं। इन्होंने किया क्या, चाहे वो लखीमपुर खीरी में है, किस प्रकार से रौंदे गए किसान, और आज मजबूर जब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला, उसको अरेस्ट किया है। भाई कातिल तुम FIR दर्ज कर रहे हो नाम से, अरेस्ट नहीं हो रहे। दूसरा, मंत्री जी का भी इस्तीफा नहीं आया। जब तक वो मंत्री रहेंगे तो उसके नीचे महकमे वाले SP DC क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई। हाँ, मैं ये नहीं कहता भाई इंक्वायरी हो जाए फिर बन जाना मंत्री, इंक्वायरी तो फेल होने दो। तो ये आपके सामने है। तो इसी प्रकार से हरियाणा का तो बिल्कुल बेहाल मामला हो चुका भाई। मेरे यहाँ सभी वर्गों के बैठे हैं यार। एक बात बताओ मैं, क्या भाई मंडी में खरीद ठीक हो रही है क्या? किसान को पूरा भाव मिल रहा है? मजदूर को पूरी मजदूरी मिल रही है? सारा आज 20 लाख टन जो है वहाँ मंडियों में पड़ा है, जगह नहीं है। मैं गया था कुरुक्षेत्र, अरुण साहब ने दिखाया, ओ सड़कों में पड़ा है सर दान, और सड़कों पर पड़ा धान है, सड़कों में पूरी तरह धान पड़ा। इसी प्रकार से हर वर्ग आज परेशान है, नौकरी मिलती नहीं, और युवाओं को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है नौकरी के नाम पर, ड्राइवर लगो 10 लाख, फलाना लगो 8 लाख, और ये इनके SS बोर्ड के भी मेंबर भी पकड़े गए। हमने असेंबली में भी सवाल उठाया और एक ही बात मैंने कही कि भाई जो पेपर लीक हो रहा है ये युवाओं को लूटने का काम हो रहा है, ये पेपर जो हो रहा है हरियाणा के युवाओं का भविष्य खराब करने की बात हो रही है, इसकी इंक्वायरी CBI से कराई जाए। क्यों संकोच कर रही है सरकार CBI से? क्योंकि किसी का किसी को संरक्षण देना चाहती है। जो लोग इन्होंने क्या किया, क्या उपलब्धि है इसकी, इसकी उपलब्धि यह है जो पेपर बताए लीक करे वो तो करोड़पति हो गया, और जो पेपर लेकर भर दे वो लखपति करोड़ी या लक्खी बना दिए भाई इनने।